सो हेलो, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशांत। आज है 9 जनवरी 2021 और अभी अभी सुबह के टाइम 11:15 बज रहे हैं। और अभी मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जो कि एयरफोर्स में जॉब करते हैं, जिनका नाम है विकास राणा। तो वो मुझसे मिलने आए सुबह और उन्होंने बहुत ही ये खूबसूरत सी टी शर्ट मुझे गिफ्ट करी है, इंडियन एयरफोर्स की। वो एयरफोर्स में जॉब करते हैं और ये कैप भी उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है। तो इस गिफ्ट के लिए थैंक यू वेरी मच विकास भाई। और फिलहाल अभी प्लान किया है कि अभी मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ डिस्पेंसरी, उनकी मेडिसिन लेनी है, जो मंथली मेडिसिन आती है वो दवाइयाँ लेकर आते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान है, उसके बाद पैकिंग करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको नई बाइक पर थोड़ी दिल्ली घुमा देते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी से। तो भाई हम लोग चल रहे हैं अभी ठाकुर के घर से अभी हम चल रहे हैं और मिलवाते हैं सबसे और कुछ खाते हैं। हम जा रहे हैं क्रॉस रिवर मॉल की साइड। तो अभी क्लच पे थोड़ा हाथ सेट नहीं बैठा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा टाइट है ये, और मेरी एवेंजर का बहुत ढीला था तो इसलिए थोड़ा गियर शिफ्टिंग में थोड़ी आदत नहीं पड़ी है, पड़ जाएगी धीरे धीरे। छोटे मोटे गड्ढों में तो पता भी नहीं लगता है कि बाइक निकल भी गई और पता भी नहीं लगा। ट्रैफिक बहुत है भाई दिल्ली में, ये कैसे चला रहा है भाई। भाई ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हाईवे पे जब दौड़ाएंगे तब फील आएगी इसको चलाने में। अभी हाईवे पे और माउंटेंस के लिए ही है ये बाइक, वैसे तो माउंटेंस के लिए ये ऑफ रोडिंग, लेकिन इंडिया में क्या है हर बाइक हर जगह चल जाती है। यहाँ फ्रेश हट, इधर इच खाते हैं। तो हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे फ्रेश हट पर और यहाँ पे बहुत अच्छा चाइनीज़ फूड मिलता है। और ये क्रॉस रिवर मॉल है, इसके बिल्कुल सामने है ये, मतलब पीछे की साइड। और हमने ऑर्डर किया है मोमोज, मंचूरियन, फ्राइड राइस और क्या ऑर्डर किया पुनीत? मंचूरियन, फ्राइड राइस, मोमोज और मोमोज स्प्रिंग रोल और स्प्रिंग रोल। तो खाते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट। क्या पिचकारियां छोड़ रहा है? मुझे लगा ठाकुर पर्स वो निकाल रहा है, मोबाइल निकाल रहा है ब्लॉग के लिए। मेरे को भी ये लगा, मेरे को हाथ तो भाई कंटेंट बन के जाएगा कुछ वजह इसने रात। तो सबसे पहले हमारा आ चुका है मोमोज वाला आइटम और ये वेज मोमोज है क्योंकि बर्ड फ्लू चल रहा है भाई, वेज मंगा, सब वेज मामला है आज। हाँ सर, ठाकुर साहब कैसा लगा आपको मोमोज? टेस्ट अच्छा है, नॉन वेज होते तो अच्छे से पके हुए हैं, नॉन वेज होता है लहसुन का स्वाद है, थोड़ा सा हवा का, थोड़ा सा बाकी का, थोड़ी सी धूल मिट्टी, थोड़ा सा पॉल्यूशन अच्छा था। पॉल्यूशन इसलिए क्योंकि हम बाहर खा रहे हैं, वैसे तो अच्छा बनाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं। और ये हमारी मंचूरियन और फ्राइड राइस भी आ चुके हैं, तब तक हम ये निपटा रहे हैं पहले। वो बड़ी तेज़ खा रहे हो यार तुम। तो नेक्स्ट आइटम भी आ चुकी है हमारी स्प्रिंग रोल्स, सब कुछ वेज है आज, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। नॉन वेज खाते कम है, फूड ब्लॉगिंग वैसे हमें आती नहीं करनी, फिर भी कर ले रहे हैं। काफ़ी उमदा टेस्ट है इसका, क्रंची है, मुझे चाट चाट के खा सकते हो। अंदर की फीलिंग अच्छी है, अंदर की फीलिंग कौन सी? अंदर की फीलिंग अच्छी है, फीलिंग है, फीलिंग दोनों, अंदर की फीलिंग अच्छी है, दोनों अच्छे हैं, अच्छे फीलिंग है। बंटवारा करो, बंटवारा कितनी है जगह? बंटवारा नहीं होगा, सब इसी में आएगा। अच्छा, सब इसी में डाल रहा है, तो प्लेट का रखेगा फिर।
डाइनिंग टेबल छोटा है ना। अभी इधर रख दे फिर। ये ठाकुर की बाइक है, इसमें सेंटर स्टैंड है, तो हमने इसी को हमने टेबल बना लिया है। इसको उधर रख दे अभी। कोई ले जाएगा ये? हां तो कोई नहीं। अबे अरे डाल दे ना, डाल दे सारा, डाल दे। अबे तो बात में वही है, थोड़ा छोड़ देना ना, मेरे को दे दे। हां तू इसी में खा ले, प्लेट में अलग से ले। आरिफ यू आर सो स्वीट। मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। कैसा है पुनीत? एक से मन नहीं भर रहा है, दो दो से खा रहा हूं। फीलिंग अच्छी है इसकी? इसकी फीलिंग अब शांत हो गई है, उनसे फीलिंग भर गई ना। अच्छा, इसकी फीलिंग थोड़ा शांत हो गई। ठीक है, लो बॉल्स बॉल्स खाओ। तो ये देखो कैसे हमने जानवरों की तरह खाया है यहाँ पर। अभी ठाकुर साहब सफाई कर रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल की। आया है या हगा है? डबल स्टैंड होने के फायदे। डबल स्टैंड या नुकसान? नुकसान है ये तो। टेबल डाइनिंग टेबल। टिश्यू लेना। चलो ले, ले, ले। तो ये है मोजो आरिफ की, ये ठाकुर की एफजी, और ये अपनी एक्सपल्स। अबे क्या हो गया, साड़ी पहन रहे हो क्या? चल 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 चलो। चले क्या हुआ, गिर गया क्या? RTO का ऑफिस है ये, स्वीट मिल विहार। ये देखो रेड लाइट जंप करने वाले, इनको चैन नहीं है 5 मिनट में। अरे अनूप तू यहाँ पे कैसे? पर्दे रात दिखाई दिया क्या? क्या हो गया? हाँ हेलमेट मास्क ठीक से पहनो, अभी कोरोना गया नहीं है। आगे ले लो अनु। अरे अंकल जी रॉन्ग साइड आ रहे साइकिल पे यार, ये तो बहुत गलत चीज है यार। धूंधाड़ हो जाता है अभी। उछलेगा भाई, उछलेगा भाई, कुछ हल जाती है ये सब जगह। अरे अनूप, अरे तू कैसे यहाँ पर? इस बाइक में जो है ठीक ठाक पावर है, बाकी जो मतलब स्टीप माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस होती है वो तो जब पहाड़ों पे जाएंगे तभी पता लगेगा, लेकिन हाईवेज के लिए सही है। मतलब आप 90-100 पे तो इसको आराम से चला सकते हो, 90 पे तो आराम से चलेंगे, और इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। थोड़ा महंगी बाइक लो, पावरफुल बाइक लो। डिटेल रिव्यू करेंगे इसका जब हम ट्रिप कर लेंगे फर्स्ट राइड के बाद। काम से घर लौटते एक मदमस्त मच्छर का पद्दू। क्या आप ऐसी कुछ और आवाजें सुनना चाहते हैं? हाँ ठीक है, ये रही खुले मैदान में कूदते कंगारू की गैस। कुछ और सुनाओ। हाँ क्या बात है, ये रही
एक समंदर की गहराइयों में गोते लगाती एक नन्ही मछली की पू पू। ओके, अब कुछ और सुनना चाहेंगे? हाँ जी। तो अब सुनिए भीनी भीनी हवा में उड़ती एक तितली का पद्दू। क्या कुछ और पेश करूं? हाँ जी। अच्छी बात है, तो सुनिए बादलों में रहने वाली एक परी के जादुई घोड़े की हरकत। कुछ और सुनना चाहेंगे? ना जी, बस करिए। ठीक है, ये लीजिए बदहजमी से परेशान एक चूहे की आवाज। अबे मैंने तो बोला बस करो। दिल नहीं भरा तो कुछ और सुनाऊं? नहीं नहीं बस। ठीक है, उम्मीद है आपको। तो अपने दोस्त लोग जो हैं सारे जा चुके हैं, अभी बस पैकिंग शुरू कर रहा हूँ मैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी पैकिंग भी करनी है, ये वाला वीडियो एडिट भी करना है। तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। और पैकिंग में जो है मैं सारा अपना सामान नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइक पे अभी लोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा प्रोग्राम सेट नहीं हुआ है उसका भी, लगेज लोड करने का। तो फिर भी जो है थोड़ा बहुत सामान मैं लेके जाऊँगा, छोटी सी ट्रिप है 3-4 दिन की। और लोकेशन जो है मैं इंस्टाग्राम पर बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को खुद नहीं मालूम है। तो वाला बैग लेके जाऊंगा तो स्लीपिंग बैग जो है इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला बैग लेके जाऊंगा स्लीपिंग बैग बाहर रखना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी बाइक का भी जो सेटअप है थोड़ा नॉर्मल है, तो अभी मुझे ये वाला बैग लेके जाना चाहिए। इसमें लैपटॉप है और लैपटॉप भी मुझे लेके जाना पड़ेगा डेटा बैकअप के लिए। और स्लीपिंग बैग मैं बाहर बांध दूंगा, इसके अंदर एक जोड़ी कपड़े आ जाएंगे और बाकी सारा सामान जो है दूसरा राइडर लेकर आ रहा है। तो ज़्यादा कपड़े मैं रख के लेके नहीं जा रहा हूँ और पहन के जाऊँगा मैक्सिमम कपड़े। ये बॉडी वार्मर है, ये पूरा एक पेयर है और ये ऊपर का है एक, तो ये मैं पहन के जाऊंगा। मफलर है और ये वुलन सॉक्स है और ये अपनी जैकेट है, ज़ियूस की जैकेट, जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है विंटर्स में। और बाकी सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बस यही सब सामान है, मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है बाइक पे लोड करने की भी जगह नहीं है। अभी अपनी जो एक्सपल्स है उसको टूरिंग बाइक बनाएंगे हम धीरे धीरे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराएंगे क्या, ताकि हम लॉन्ग राइड पे जा सकें उस बाइक पर। क्योंकि जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं बहुत ज़्यादा लगेज होता है और मुझे अपनी पीछे वाली सीट भी खाली रखनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में कपल राइड्स भी होंगी, तो इसलिए पूरा सेटअप उसका उस तरह से करना पड़ेगा। तो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पूरा जुगाड़ मेरे दिमाग में है, वो मैं कर लूँगा। अभी फ़िलहाल जो है अर्जेंट एकदम से राइड का प्लान बनाया, तो फटाफट जो है ऐसे ही जा रहा हूँ मैं। बाकी सारा सामान दूसरे बंदे ला रहे हैं। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और राइड की लोकेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं मालूम है। फिलहाल इतना ही है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं राइड पर इंस्टाग्राम पे। Sound right, boy.